दोस्तों बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की मूवी गदर 2 को आज बॉक्स ऑफिस पर चौथा दिन है। वहीं दोस्तों बात करेंगे गदर 2 मूवी के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ हम जानेंगे दोस्तों चार दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से गदर 2 मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया। दोस्तों मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो चुका है, तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। साथ ही दोस्तों सनी पाजी को आप इंडिया का बेस्ट सुपरस्टार मानते हो दोस्तों, और दोस्तों गदर मूवी को इंडिया की बेस्ट मूवी मान दो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर लें दोस्तों। बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों मूवी का बजट कितना था। तो दोस्तों गदर 2 मूवी को 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया था। दोस्तों इस मूवी को काफी कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस मूवी को टोटल दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3,800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं दोस्तों इस मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 5,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। दोस्तों गदर 2 मूवी में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा जैसे कई दिग्गज कलाकार देखने को मिले हैं। दोस्तों अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें दोस्तों, गदर 2 मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 40,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था इंडिया से नेट। तो दोस्तों मूवी ने पहले ही दिन दोस्तों वो मुकाम हासिल कर लिया। दोस्तों बड़े बड़े सुपरस्टारों की मूवी मुकाम हासिल करने में असफल रह जाती हैं। बात करें दोस्तों गदर 2 मूवी के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों गदर 2 मूवी ने दूसरे दिन इंडिया से दोस्तों नेट कलेक्शन किया था 43,08,00,000 रुपये का। वहीं दोस्तों बात करें गदर 2 मूवी के तीसरे दिन दोस्तों, तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों गदर 2 मूवी ने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 52 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दोस्तों गदर 2 मूवी ने तीसरे दिन 52 करोड़ रुपए इंडिया से कमाए थे। वहीं दोस्तों आज इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर चौथा दिन है, तो दोस्तों चौथे दिन, ये आज मंडे है दोस्तों, मंडे की वजह से दोस्तों मूवी में थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों फिर भी बात करें ये मूवी आज चौथे दिन कितना कलेक्शन कर रही है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, तो दोस्तों चौथे दिन ये मूवी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 34,34 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है। बात करें दोस्तों गदर 2 मूवी के चार दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों अभी तक इस मूवी ने चार दिनों में टोटल दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों गदर 2 मूवी के चार दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240 करोड़ रुपए हो रहा है। तो दोस्तों ये मूवी ने शुरुआत के चार दिनों में ही 240 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, और दोस्तों मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के ऑक्युपेंसी की, तो दोस्तों गदर 2 मूवी की पहले ही दिन से दोस्तों जो ऑक्युपेंसी रिपोर्ट सामने आ रही है वो दोस्तों 90% 95%, और दोस्तों ज़्यादातर इस मूवी के जो शो हैं वो दोस्तों हाउसफुल नज़र आ रहे हैं। दोस्तों गदर 2 मूवी के 90% जो शो हैं दोस्तों पूरे इंडिया से वो दोस्तों हाउसफुल नज़र आ रहे हैं। बल्कि दोस्तों गदर 2 मूवी का जो क्लैश हुआ था वो दोस्तों रजनीकांत की मूवी जेलर और अक्षय कुमार की मूवी OMJ 2 के साथ हुआ था। उसके बावजूद दोस्तों जो मूवी के कलेक्शन आ रहे हैं वो दोस्तों काबिले तारीफ़ हैं। दोस्तों क्या है आपका मानना गदर 2 के लिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।